Oppo Reno 3 Pro, a 5G phone, quad camera setup, curved super amoled, hole punch display, 30 watt flash charge 4 support and many more. दोस्तों आज मैं Oppo Reno 3 Pro का unboxing और hands on review बताने वाला हूँ. तो चलिए देखते हैं क्या है फोन में कुछ खास features and specifications और कौन सी price range में launch होने वाला है और इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है. दोस्तों मैं मिलन और आप देख रहे हैं टेकी स्ट्रीट. सबसे पहले अपडेट देने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. और दोस्तों अगर आपने है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखना और अगला की वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. सबसे पहले Oppo Reno 3 Pro 5G का अनबॉक्सिंग करते हैं. यह है Oppo Reno 3 वेट में इस सेगमेंट के साथ कंपेयर करें यानी इस सेगमेंट के दूसरे फोन के साथ कंपेयर करें तो मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है. पहले बॉक्स में से सभी कंटेंट को बाहर निकाल देते हैं तो ये है सभी कंटेंट्स. सबसे पहले ये है वूक 4.0 चार्जर जिसकी आउटपुट है करीब 30 वोल्ट. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट. ये है एप्पल के एयरपोर्ट सेफ वाले ईयरफोन्स. तो अच्छी बात है यहाँ पे ईयरफोन्स मिलते हैं क्योंकि प्राइस ही बहुत ही बढ़िया है तो ईयरफोन्स मिलेंगे और ईयरफोन्स टाइप सी पोर्ट वाले मिलेंगे यानी 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं मिलेगा फ़ोन के अंदर. और ये है टाइप ए टू टाइप सी केबल. यह है ट्रांसपेरेंट केस. क्वालिटी मुझे ट्रांसपेरेंट केस की ठीक ठाक ही लग रही है, इतनी अच्छी नहीं लग रही है. अब देखते हैं फ़ोन की डिज़ाइन और बिल्ड. तो सबसे पहले डिज़ाइन में देखें तो ऊपर की साइड पंच होल कैमरा दिखता है जो छोटा सा दिया गया है. ऊपर की ओर देखें तो ईयर पीस देखने को मिलते हैं और दो एंटेना लाइंस देखने को मिल जाएगी. फ़ोन का बैक देखें तो बहुत ही शाइनी सा ग्रेडियंट फिनिश वाला मल्टी कलर का दिखता है. फ़ोन का बैक कर्व्ड और गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड दिया है. बॉटम में ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है. ऊपर की ओर लेफ्ट में वर्टिकल क्वाड कैमरा लिखा हुआ मिलता है. इसी मॉड्यूल में ड्यूल एलईडी फ्लैश भी देखने को मिलेगी और कैमरा मॉड्यूल आपको थोड़ा बम्पी लगेगा यहाँ पे, यानी स्क्रैच पड़ने के चांसेस है. यहाँ पे कौन सा ग्लास यूज़ किया गया है कैमरा मॉड्यूल के ऊपर वो नहीं बताया है. अगर शटरप्रूफ ग्लास होता है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. फ़ोन के टॉप में सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन मीक देखने को मिलता है. फ़ोन के बॉटम में यहाँ पर स्पीकर देखने को मिल जाएगा. प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट और ड्यूल सिम ट्रे देखने को मिलती है. यहाँ पे कोई माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलेगा तो ये थोड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है, लेकिन अभी तक 5G फोन में माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिला है. फोन का वेट काफ़ी हल्का है, करीब 174 ग्राम का है यहाँ पे, तो ये अच्छी बात कह सकते हैं. फ़ोन की थिकनेस भी 7.7 mm की ही है यानी बहुत ही स्लिम फ़ोन है, लेकिन स्लीपरी भी है क्योंकि बैक में ग्लास लगा है. अगर कवर के साथ वेट करें तो 193 ग्राम तक होता है इस फोन का वेट. और फोन का बैक और फ्रंट दोनों कवर्ड दिए गए हैं तो इन हैंड फील बहुत ही अच्छी आती है. अब यहाँ पे फ़ोन को स्टार्ट कर लेते हैं. फ़ोन के स्टार्ट होने के बाद देखेंगे तो पंच होल कैमरा यहाँ पे बहुत ही छोटा दिख. Oppo Reno 3 Pro में डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है और डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट 90 Hz का मिलता है. ये बहुत ही बढ़िया बात कह सकते हैं, लेकिन रेगुलर यूज़ में आप 60 Hz का भी यूज़ कर सकते हैं और वो स्विचेबल है. यहाँ पे फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलेगा जहाँ पे आप अलग अलग क्लॉक भी रख सकते हैं, कैलेंडर भी रख सकते हैं, दूसरा कुछ भी रख सकते हैं और उसको अलग से डाउनलोड भी कर सकते हैं. और फ़ोन में डार्क मोड का भी फीचर मिल जाएगा और यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इसलिए डार्क मोड बहुत ही काम की चीज़ है बैटरी बचाने के लिए. यहाँ पे ऊपर आपको पंच होल की जगह बेजल्स रखनी है तो भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा बेजल्स का भी, लेकिन मेरी माने तो पंच होल ही बहुत ही बढ़िया लगता है. Oppo Reno 3 Pro में कैमरे की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा जहाँ पे प्राइमरी 48 MP का f1.7 एपर्चर का कैमरा लगा है. सेकेंडरी 13 MP का टेलीफोटो लेंस मिल जाएगा जो 2x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है. तीसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिल जाएगा और आखिरी कैमरा दिया गया है 2 MP का डेप्थ सेंसर जो बोके मोड के लिए दिया गया है और पोर्ट्रेट मोड के लिए दिया गया है. फ्रंट में 32 MP का सेल्फी कैमरा लगा है. फोन में वीडियो की स्टेबिलिटी के लिए OIS और EIS का भी सपोर्ट मिल जाएगा. अगर इस Oppo Reno 3 Pro को iPhone 11 Pro के साथ कंपेयर किया जाए और वीडियो रिकॉर्ड किया जाए तो आप सेकीनेस यहाँ पे देख सकते हैं जो Oppo Reno 3 Pro में काफ़ी कम मिलती है. बहुत ही बढ़िया वीडियो आता है अगर आप मूविंग वीडियो लेते हैं तो. फ़ोन में 4K वीडियो 30 FPS से रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट में फुल HD वीडियो 30 FPS से रिकॉर्ड कर सकते हैं. Oppo Reno 3 Pro में OS की बात करें तो कलर OS 7 पे चलता है जो बना हुआ है Android 10 पे. और इस बार कलर OS 7 काफ़ी ऑप्टिमाइज किया हुआ है. फ़ोन में ऐप आइकॉन की साइज़ और शेप भी चेंज कर सकते हैं. राउंड रखना है तो राउंड रख सकते हैं, स्क्वायर रखना है तो स्क्वायर रख सकते हैं, कैसे भी आप चल सकते हैं. और यहाँ पर फिर आइकॉन की साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं. फ़ोन में लगा है स्टीरियो स्पीकर
ऊपर का जो ईयर पीस है वो स्टीरियो स्पीकर का काम करता है और नीचे की ओर भी स्पीकर लगा है, तो बहुत ही साउंड अच्छी क्वालिटी की मिलती है यहाँ पे। Oppo Reno 3 Pro के परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन का 765G octa कोर प्रोसेसर लगा है जो एक 5G इंटीग्रेटेड मोडम के साथ आता है। फ़ोन में 8GB और 12GB की रैम मिल जाएगी और 128 और 256GB का स्टोरेज ऑप्शन भी मिल जाएगा और माइक्रो SD कार्ड का कोई स्लॉट नहीं मिलेगा। फ़ोन में गेमिंग काफ़ी अच्छी चलती है और स्मूथ चलती है। इसमें रियलमी X50 की तरह PUBG HDR पे नहीं खेल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मिलती है 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट और यहाँ पे 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट मिलती है, लेकिन तो भी परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ मिलता है इस फ़ोन के अंदर। फ़ोन में सिक्योरिटी की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा जो काफ़ी तेज है और एनिमेशन भी बढ़िया दिया गया है, बहुत ही अच्छा लगता है। फ़ोन में फेस अनलॉक काफ़ी फीचर मिलता है जो फ़ोन को तेज़ी से अनलॉक करता है, लेकिन अच्छी सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर है। Oppo Reno 3 Pro में बैटरी की बात करें तो 4025 mAh की बैटरी लगाई गई है जिसको चार्ज करने के लिए 30W का फ्लैश चार्ज 4 सपोर्ट दिया गया है जो बहुत ही तेज़ी से फ़ोन को चार्ज करता है, करीब 80 मिनट में ही फ़ोन को फुल चार्ज कर देगा। Oppo Reno 3 Pro की प्राइस की बात करें तो चाइना में इसकी प्राइस करीब 3999 युआन है, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज की अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किए जाए तो करीब 40,000 से शुरू होती है और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मुझे इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा लगती है। और दोस्तों ये फ़ोन जल्दी ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है और यहाँ पे जो फ्रंट में सिंगल पंच होल कैमरा मिल रहा है वहाँ पे इंडिया में लॉन्च होने वाला है ड्यूल पंच होल कैमरा के साथ। और वैसे भी इंडिया में लॉन्च होगा तो 4G सपोर्ट ही मिलेगा, 5G कोई काम का नहीं। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसी Oppo Reno 3 Pro के बारे में, आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा और इंडिया में कौन सी प्राइस रेंज में लॉन्च होना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप नए हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने और अगला गिव अवे देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों ऑलरेडी गिव अवे चल रहा है, आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप नए हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने और अगला गिव अवे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।